नमस्कार, मैं आस्था चौहान, आप सभी का न्यूज ट्रेंड 9 इंडिया में स्वागत करती हूं। और आइए देखते हैं अभी की ताजा खबरें। दिनेशपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के चित्र के समक्ष केक काटकर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए एक दूसरे को केक खिलाकर खुशी बांटी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अब की बार 2019 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और भारी सीटों के साथ कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनेगी। सबसे पहले तो आज मैं 40वें साल को उनको बधाई देना चाहूँगा पूरे देश भर में सदस्यों सहित कार्यकर्ता जितने भी बहुत अच्छे ढंग से मनाया जा रहा है। दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि ये असफल हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पिछले समय में देख सकते हैं कि कर्नाटक सरकार जो बनी वो किस बल पर बनी, और बल्कि जो भाजपा के नेता हैं, भाजपा के बहुत बड़े अच्छे अच्छे लीडर हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब झूठे दावे करते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया मेरा कि कर्नाटक सरकार जब बनी मुख्यमंत्री का जो चुनाव हुआ उसमें उन्होंने बताया कि कुछ कांग्रेस के विधायक हमारे साथ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ सरकार को पलट गई, पता लग गया, सबको पता लग गया कि जो भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं या हमारे आने वाले चुनाव में हमारे आने वाले मुख्यमंत्री श्री राहुल गांधी जी। जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है और मोदी के लोग विश्वस्त नहीं हो रहे हैं, आप लोग देख ही रहेंगे उपचुनाव में कांग्रेस जीत रही है और ऐसा लगता है कि ये पूंजीवादियों की सरकार है। समाजवाद का कोई यहाँ नियम नहीं है, गरीबों को कोई हित नहीं, किसानों को कोई हित नहीं। हमें लगता है आने वाले समय में विपक्ष एक साथ मजबूत होकर ये 2019 का चुनाव लड़ेगी और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। 2019 में मोदी के जुमले हट जाएंगे और राहुल गांधी पूरे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी आएंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस हिसाब से राहुल गांधी पूरे देश के अंदर पूरे देश के साथ रहते हैं, देश के शहीद हुए, पूरे जनता के साथ रहते हैं, जनता के काम करते हैं, दुख सुख में सबका साथ देते हैं, तो पूरे देश में राहुल गांधी का जय जयकार है। उधम सिंह नगर के सितारगंज में 3 दिन पहले 2 नाबालिग लड़कियों से गोठा गांव के पीछे जंगल में गैंग रेप किए जाने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सितारगंज के गोठा के पीछे जंगलों में 2 नाबालिग किशोरियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी, तभी अचानक पास ही के गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे और मारपीट करने लगे और लड़कियों के साथ आए 2 युवक वहां से भाग गए, जिसके बाद गांव के 4 युवकों ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस 2 और आरोपियों की तलाश में जुटी है। की घटना है ये, यहाँ पर सितारगंज में गोठी जगह पड़ती है, वहाँ पर 2 लड़के अपनी प्रेमिका को लेके गए थे मजार पर। तो वहाँ इन लोगों ने, इन किसान का एक दोस्त भी था, अश्लील हरकत करी, वीडियो बनाई, उसके बाद वहाँ कुछ गांव के लड़के आए और उन्होंने उन्हें मारपीट किया और उसके बाद जो उनके प्रेमी थे वो भाग गए। उसके बाद ये 3 लड़कों ने बलात्कार किया उनका और बारी बारी से दोनों जो लड़कियां हैं वो पॉस्को में हैं, दोनों लड़कियों से बलात्कार किया। उसके बाद इनको वहां से ग्रामीण आने पर ये फरार हो गया। किस घटना को आपने? सर, हम लोग तो वहां घूमने के लिए गए थे, इन लड़कियों को देख के हम लोग तो सीधे जा रहे थे, लेकिन इनको हम जब बचाने के लिए पहुंचे तो लड़कों ने हमारे ऊपर जोर जबरिया का इंजाम रखा। ये इस लड़की को मैं जानता था सर, इस चक्कर से इसको मैंने मारा तो इसने मेरे ऊपर ये आरोप लगा दिया। जो भी हुआ, इस बाहर के जो लड़के थे, बहादुरगंज के 3 लड़के सर, वो उनको लेके आए थे, लेकिन हम उन लड़कों को भी नहीं जानते थे सर, लेकिन हमने फिर भी अपने बचाव के लिए पुलिस का साथ देने के बाद फिर भी उन लड़कों को बचाने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगा दिया। हरिद्वार में योग दिवस की पूर्व संध्या पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों मजदूरों को योग के प्रति जागरूकता के साथ ही उन्हें योग प्रशिक्षण दिया गया। कृषि उत्पादन मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने विभिन्न संगठनों के साथ ग्रीन विस्टा पार्क में योग के प्रति जागरूक किया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आगमन पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड से देश दुनिया को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। हम सामाजिक संगठनों की भी जिम्मेदारी बनती है
कि जिस प्रकार से जनता में वो जागरूकता लाने के लिए उत्तराखंड से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और उन्हें अभ्यास करा रहे हैं इस बात के लिए कि भाई योग अगर आप करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। उत्तराखंड आगमन पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। उत्तराखंड अमूमन पहले से ही योग भूमि है कहना चाहते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जहाँ आज वायुमंडल प्रदूषित हो चुका है और हाईटेक इंसान हो चुका है, ऐसे में योग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए हमने आज यहाँ प्रशिक्षण के माध्यम से तमाम असंगठित क्षेत्र के हमारे तमाम श्रमिकों को हमने जागरूक करने का काम किया है और यह संदेश देने का काम किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है वो कदम बहुत ही अच्छा कदम है, जिसकी सराहना की जाए उतनी थोड़ी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थराली उपचुनाव जीतने के बाद पहली बार थराली विधानसभा पहुंचे और रावत ने नारायण बगर विकास खंड के पखराल स्थित मृत्युंजय महादेव के त्रिपुराण कथा आयोजन में शामिल होकर थराली की जनता का उपचुनाव में मिले सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि थराली की जनता ने बीजेपी और उन पर विश्वास जताया है। बीजेपी को मिली इस जीत के बाद थराली के विकास की भी गति बढ़ेगी। मैं थराली की जनता का धन्यवाद अदा करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा, खेती को जंगली जानवरों से हो रहे नुकसान पर किसानों को चाहिए कि वे जंगली जानवरों से बचने के लिए विस्तृत खेती करें। बरसात को देखते हुए आपदा प्रबंधन पर मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन की टीमों की तैनाती की गई है, साथ ही ड्रोन कैमरों की मदद से तहसील स्तर पर निगरानी रखी जाएगी। पहली मांग जो है तो हमारी इस नारायण बगड़ महाविद्यालय की मांग है कि हम महाविद्यालय खुले। दूसरी मांग हमारी जो हमारा यहाँ ये 33 ग्राम सभाओं का जो भागवत यहाँ पे हो रहा है मृत्युंजय महादेव की तपस्थली में, हमारी मुख्यमंत्री जी से, क्षेत्र की जनता से हम लोगों की मांग है कि मुख्यमंत्री जी इस पर एक तो रोप वे का हो जाए, इस पर रोप वे लग जाए। ये यहाँ से जो आधा किलोमीटर पौन किलोमीटर का जो हमारा पैदल खड़ी चढ़ाई है, इससे क्षेत्र की जनता को जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनको दर्शन करने में सहूलत मिलेगी। एक तो यह है कि दूसरा हमारा सनकोट और घाट जो मोटर मार्ग है, ये हमें आशा है कि मुख्यमंत्री जी इसको भी स्वीकृति प्रदान करेंगे। कुछ सभी जो हमारे लगभग 10,000 गाँव हैं जहाँ पर हमारे ट्रेंड स्वयंसेवक हैं उनको अलर्ट रहने को कहा गया है और सभी जिलाधिकारियों को फंडिंग की गई है और सबसे कहा गया है कि आप हर तहसील में हमारे पास एक जो सैटेलाइट फ़ोन है उसकी व्यवस्थाएं की गई हैं और जो उपकरण है जो आपदा के समय में काम आते हैं, ऐसे उपकरण खरीदने के लिए और उनको पैसा दिया गया है। ड्रोन कैमरे हमने हर ज़िले में और हर SDM क्षेत्र में हम लोग उसका ड्रोन से भी उस पर निगाह रखेंगे। जसपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ताओं ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है, जिससे योग दिवस के दिन आए लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। पत्रकार वार्ता में पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी डॉक्टर रमेश शर्मा ने बताया कि काशीपुर जिले में योग की कार्यशाला के लिए करीब 9 स्थलों का चयन किया गया है, जहां करीब 12,000 से अधिक लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योग कार्यशाला में प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यशालाओं में हरिद्वार से आए योग शिक्षक भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। काशीपुर में 3 योग शिविर हमारे लगेंगे, जिसमें 5,000 की संख्या में लगभग लोग इसमें भाग लेंगे। गदरपुर में 2 योग शिविर लगेंगे, एक गुलरबोज और एक गदरपुर प्रॉपर में, इसमें भी लगभग 4-5,000 लोग प्रतिभागी बनेंगे। जसपुर में हमारा एक योग शिविर लगेगा, उसमें लगभग 1-2,000 तक प्रतिभागी भाग लेंगे। मऊआ डाबरा में भी हमारा एक शिविर लगेगा, उसमें भी 200-400-500 लोग भाग लेंगे। इस तरह से उधम सिंह नगर पश्चिम में जगह जगह ये शिविर लगाए जा रहे हैं। बाजपुर में भी हमारा एक शिविर लगेगा इंटर कॉलेज में, उसमें भी लगभग 2-2,500 लोग भाग लेंगे। अलग अलग हमारे योग शिक्षक जो है अलग अलग जगह कक्षाएं ले रहे हैं, अलग अलग इस योग उसमें भाग ले रहे हैं। जसपुर के बहुचर्चित पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज में शिक्षा प्रबंध समिति के चुनाव 22 जून को होने वाले हैं, जिसकी सूचना मिलते ही जसपुर विधायक आदेश चौहान अपने समर्थकों के साथ विद्यालय में पहुंचकर विद्यालय के प्रिंसिपल अमर सिंह से चुनाव की रूपरेखा का जायजा लिया।
प्रिंसिपल ने बताया चुनाव कार्यक्रम नहीं मिला है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी अनिल ने बताया कि चुनाव संबंधी पत्र तो मिला लेकिन उसमें चुनाव प्रक्रिया का कोई जिक्र नहीं था, जिस पर जसपुर विधायक आदेश चौहान ने जिलाधिकारी व शिक्षा अधिकारी को पत्र देकर निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कही। चुनाव की सूचना जो है सीओ साहब को दे दी गई है, लेटर द्वारा सीओ साहब को दे दी गई है, तो बाकी कार्यक्रम उन्हीं को चलेगा। इस प्रक्रिया की जानकारी मुझे नहीं है पूर्ण रूप से, उसी हिसाब से बता सकते क्या इसको, मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मुझे कार्यभार ग्रहण किए अभी एक साल हुआ है, उससे पहले भी मुझे कोई जानकारी नहीं। पंडित पूर्ण ने दिवा इंटर कॉलेज के प्रबंधक चुनाव के लिए विद्यालय के प्रबंधक द्वारा केवल एक सूचना दी गई है कि 22 जून को एक चुनाव होगा जो मुख्य शिक्षा अधिकारी को संबोधित है, एक प्रतिलिपि खंड शिक्षा अधिकारी जसपुर को भी है, लेकिन इसमें अभी विभाग से या तो ये नहीं कि चुनाव प्रक्रिया में क्या क्या होगा ये निर्देशित नहीं किया गया है। पूर्णानंद तिवारी शिक्षा समिति की आगामी वर्षों के लिए चुनाव संपन्न होना है। मुझे ज्ञात हुआ कि 22/6/2018 को शिक्षा समिति के चुनाव की तिथि निश्चित कर दी गई है, जबकि हमारे साथी वहां पर एजीएम में मौजूद थे और वहां पर चुनाव की कोई तिथि डिक्लेयर नहीं की गई थी। हमारे साथी त्रिलोक जी खड़े हैं, इनकी नॉलेज में है, ये उस मीटिंग में थे, इसमें कोई भी तिथि डिक्लेयर नहीं की गई थी। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के नेशनल हाईवे 9 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों को मेरठ स्थित अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि इको में 11 लोग सवार थे, जो कि कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर फ्लाईओवर के करीब नेशनल हाईवे 9 पर सुबह 4 बजे तेज रफ्तार इको कार मदर डेयरी के दूध के खड़े ट्रक में जा घुसी। कयास लगाए जा रहे हैं कि कार चालक को नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के वेलकम इलाके से संभाल जा रहे थे कार सवार, लेकिन रास्ते में हादसा होने से 6 की मौत और 4 लोग गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये लगभग 3:30-4 बजे के एयरपोर्ट में कल मुक्तेश्वर में जो ओवरब्रिज बना है उसमें इको गाड़ी में थे 10-11 लड़के जी, और ये मालूम नहीं कहाँ से आ रहे थे, तो हम पे कॉल आई थी कि एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस लेकर आ जाइए। वहाँ पहुँचने के बाद में लड़का जो ड्राइवर था शायद नींद में था, ट्रक खड़ा हुआ था, ट्रक में पीछे जाकर गाड़ी लग गई थी इनकी, तो उसके बाद में हम लोग वहाँ पहुँचे थे तो 5 आदमी और टोटल एक्सपायर हो गए थे। कितने लोग घायल थे? ये भैया 4 लोग घायल थे जी। और कितने एक कैजुअल्टी आई है हमारे पास जी। और पहले कितने लोग? मौके का हमें नहीं पता, एक्चुअली मौके का हम लोग नहीं थे, ये चीज़ तो पुलिस वाले को पता है। हमारे पास में 4 घायल आए जिनको फर्स्ट एड देकर जी और अच्छा ट्रीटमेंट करके मेरठ के लिए रेफर कर दिया जी। पीलीभीत में जमीनी विवाद के चलते महिला ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। महिला के परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने जहरीला पदार्थ खिलाया है। पूरनपुर के रुइया सलेमपुर निवासी सोमवती पति राजीव उर्फ राजू 30 साल ने जमीनी विवाद में जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। ग्रामीणों के मुताबिक घर में कहा सुनी के बाद महिला हाथ में जहर लेकर बाहर निकली और बीच बचाव के दौरान उसने जहर खा लिया, इससे उसकी मौत हो गई। महिला के परिजन ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगा रही है। जमीन बेचता बड़ी के लिए खिलाता है, इनके लिए एक पैसे नहीं देता ना, इनके बच्चों के लिए देखता है, इनके लिए और ताना देता है, डरता है, बुरी बुरी कहता है और इनके लिए कुछ भी नहीं देता ना, इनके घर वाले की मानता ना इनकी मानता। वो बेचता अपने कहता है हमारी नाम की हम बेचेंगे, उनके लिए खिलाता खूब चीजा बस्ता लिखवा खिलाता, इनके लिए कुछ भी नहीं देता। तो अब फिर बेचिए इनने, तो उसमें ये अपना हिस्सा मांग रहे थे, तिहाई हिस्सा मांग रहे थे, उन्होंने नहीं दिया तिहाई हिस्सा। में जो लड़की ने दवाई इन्होंने पिलाई है, उनकी जिठानी ऐसे कही बताई हमें सुनी जाए कि जब मरेगी नहीं ऐसे ही करती है, इन्हें मर जाने दो। फिर क्या हुआ? फिर वो जमीन के बारे में लड़ाई हुई, तो तीसरे हिस्से में वो हिस्सा मांग रही थी। कौन मांग रही थी? वो सोमवती नाम है, संपत्ति है उसका नाम, और उसी में वो लड़ाई वो कुछ कह रहा था मैं मेरी इलाज कराऊंगी या मैं दवाई कराऊंगी, मैं बच जाएंगे बाद में हिस्सा बांट लेना।
ससुर कह रहा था, ससुर कह रहा था। वो बाद में वो दवाई रखी थी, तुम हिस्सा नहीं दे रहे हो, कुछ पहले ही बेच चुके, कुछ अब बेच रहे हो, मैं हिस्सा नहीं दे रहे हो, मैं दवाई पी के मर जाऊंगी। वो आगे था, उसका पति वो दवाई लेके भागी, उसका पति पीछे पीछे भागा। अब वो चलते ही चलते पी के अब डबिया फेंक दी उसने। साहिबगंज के बरहरवा में बिजली समस्या को लेकर प्रखंड कांग्रेस कमेटी ने प्रखंड अध्यक्ष अशोक दास के नेतृत्व में सहायक अभियंता बिजली कार्यालय का घेराव किया। भीषण गर्मी में बिजली कटौती से आम जनता परेशान है। पाकुड़ विधायक जनाब आलमगीर आलम ने कहा कि भीषण गर्मी में फॉल्ट के नाम पर 24 से 48 घंटे तक बिजली सप्लाई बंद की जाती है, इससे लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं छोटे छोटे उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।